जी तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ। JLPT N4 के ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और देखते हैं कि कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी, JLPT N4 ग्रामर एक्सरसाइज नंबर 5। अब देखें, इसमें खांजी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओ जिकान ओ थोरी मश्ता को तो ओ डैश कुदासाई, गो खेंग को तो गो खोफ कु ओ इनोरी मस। ओ जिकान आपका टाइम, ओ थोरी मश्ता को तो, ओ जिकान ओ थोरी मश्ता आपका टाइम लिया, को तो इसको पूरा आपका टाइम लिया, इस वर्ड को पूरे को नाउन बना दिया। ठीक है, ओ जिकान ओ थोरी मश्ता को तो, यानी इस सबको पूरे वर्ब को नाउन बना दिया और फिर उसको ओ लगा दिया कि वो जो आपका टाइम लिया उस चीज़ को यूरिशी कुदासाई, यूरुश्ते कुदासाई, ओ यूरुश्ते कुदासाई, यूरुशी कुदासाई। अब यहाँ पे ओ थोरी मचता, ओ जिकान ओ थोरी मचता को तो ओ, ये बहुत पोलाइट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर भी पोलाइट फॉर्म आएगी। और वो पोलाइट फॉर्म क्या है, हमने बताया था कि वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करते हैं और वर्ब से पहले ओ लगाते हैं और उसकी मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके कुदासाई लगा देते हैं, तो ओ युरुशी कुदासाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, गोखेंको तो गोखोफ कुओ इनोरी मस, इनोरी मस दुआ करता हूँ गोखेंको आपकी सेहत और गोखोफकू आपकी खुशहाली। खोफकू का मतलब है खुशहाली, वेलफेयर, तो गोखोफकू इनोरी मस आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। और ओ युरुशी कुदसाई, यहाँ पे युरुश्ते कुदसाई होना चाहिए वैसे, लेकिन क्योंकि पोलाइट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत पोलाइट तरीका ये है कि वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करते हैं और कुदसाई लगा देते हैं और वर्ब से पहले ओ लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर स्वत्ते कुदसाई, बैठ जाइए, इसको और रेस्पेक्ट से कहना हो तो ओ सुवारी कुदसाई। हाजी मेनी उमाकू डैश नान्दो देमो यत्ते मिरुंदा ने। शुरू में अगर ठीक ना जाए, उमाकू, उमाई का मतलब है महारत से या अच्छा या टेस्टी, तो शुरू में अगर बिल्कुल ठीक ना हो यानी महारत से ना हो तो कई दफ़ा भी करके देखना है। तो इसमें क्या है, अगर वाला वो है तो इसका मतलब है इका न कत्तरा। ठीक है, हाजी मेनी उमाकू इका न कत्तरा नांदो देमो यत्ते मिरुंदा ने। शुरू में अगर ठीक ना हो, महारत से ना हो तो कई दफ़ा बार बार, नांदो देमो का मतलब है कई दफ़ा यानी बार 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 करके देखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इसमें खांजी जो है उनकी भरमार है, खांजी को आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कोदोमो ताची का दो बुत्सु एन, दो बुत्सु एन, दो बुत्सु का मतलब है जानदार, जानवर, एन का मतलब है पार्क। कोदोमो ताची का दो बुत्सु एन ए नो ओ थाजु नेता, थाजु नेरू का मतलब है रिक्वेस्ट करना, पूछना। बच्चों ने जू का रास्ता पूछा, एनो का मतलब है के लिए, दो बुत्सुएन के लिए यानी जू के लिए, चिड़ियाघर के लिए जाने का रास्ता पूछा, जाने का तरीका पूछा। इकी कता, इकू का मतलब जाना और उसके बाद कता लगा दिया, ये कता की खांजी है, तो ये क्या हो गया, इकी कता। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कता जो है, अगर आप पिछली मेरी वीडियोस को देखेंगे तो उसमें कता के ऊपर एक लेक्चर है, उसमें ये बताया गया है कि जब हमने कोई किसी भी काम करने का तरीका, जब हमें कहना हो कि ये काम करने का तरीका, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके कता लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे खाने का तरीका ताबे कता, लिखने का तरीका काकी कता, जाने का तरीका इकी कता, तो ये इकी कता ये वाला हो जाएगा। देनशा ओ तो इश्ता तो की खुरोम दे खेगा ओ शिमश्ता, खेगा का मतलब चोट, खोरोबू का मतलब है लुढ़कना, कलाबाजी खाना, यानी ओरिरू का मतलब है नीचे उतरना, ट्रेन से जब उतर रहा था उस वक्त लुढ़क कर चोट लग गई।
खेगाश्ता यानी चोट लग गई। अच्छा अब यहाँ पे तो इश्ता तो की का मतलब ऐसा काम करो, ऐसा काम करूँ, ऐसा करने का इरादा कर रहा था उस वक्त, तो इसमें माशो फॉर्म लगाते हैं। और ओरीरू जो है वो क्योंकि ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, तो ताबेरू की माशो फॉर्म हमने क्या बताई थी कि ताबेरू की माशो फॉर्म है ताबे यो, तो इसी तरह ओरी मस की माशो फॉर्म हो जाएगी ओरी यो। ये सारा पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि ताबेरू पैटर्न की जो है मस फॉर्म ताबे यो बनती है। अगर ताबे रो कहेंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। ताबे रो का मतलब होता है ऑर्डर कोई दे रहा है कि चलो खाओ, ताबे रो चल बे खा। तो ताबे यो जो है ताबेरू पैटर्न के जितने भी वर्ब हैं उनकी माशो फॉर्म जो है वो रू ड्रॉप करके यो लगती है। ताबेरू से ताबे यो, ओरीरू से ओरी यो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दारे का आई थे दोन्ना को तो करे वा नातो कु सासेते शिमाओ। नातो कु शुरू का मतलब है अंडरस्टैंड कर लेना, कोई चीज़ समझ में आ जाना, आमादा कर लेना, आमादा हो जाना। नातो कु शुरू आमादा हो जाना, कन्विंस हो जाना। नातो कु सासेरू का मतलब है आमादा कर लेना, परसुएड करना यानी कन्विंस कर लेना किसी को। तो कोई भी सामने वाला हो, कोई भी चीज़ हो, वो जो है हर एक को जो है वो कन्विंस कर लेता है। तो ये देमो देमो के फॉर्म है, नान देमो दारे देमो, ये भी हम लेक्चर कर चुके हैं N5 की ग्रामर में कि कोई भी हो, जब हम कहते हैं कोई भी हो पॉजिटिव तो देमो लगता है, नान देमो दारे देमो दोको देमो तो उसके लिए देमो लगता है। देमो देमो दारेगा आई थे देमो दोनों को तो देमो करेवा ना तो कुछ शासित शिमो। सामने वाला कोई भी हो, कोई भी मामला हो, वो कन्विंस कर लेता है। ये खाकू रेरू की खांजी है। खाकू रेरू का मतलब छुप जाना, खाकुसु छुपाना, खाकू रेरू छुप जाना। खाकू रेरू तो करो गा नाई, तो खाकुरेरू तो करोगा नाई जानाई का, जानाई का कोई चीज़ हमें कहना होता है जानाई का, ऐसा नहीं है क्या, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो, यानी कि आपको यकीन है कि ये शख्स डॉक्टर है और आप उसको ये कह रहे हैं तुम डॉक्टर नहीं हो क्या, मतलब तुम मतलब डॉक्टर तो हो ना, तुम्हें जाना नहीं है क्या, इसका मतलब ये कि तुम्हें जाना है। तो इसी तरह इसमें कह रहा है खाकुरेरू तो करोगा नाई जानाई का, तो जानाई का या जानाई नहीं है क्या, इसका मतलब है असल चीज़ यही कहना चाह रहा है। खाकुरेरू तो करोगा नाई, यानी कोई छुपने की जगह नहीं है, ऐसा नहीं है क्या, तो अब ऐसा नहीं है क्या कि क्या लगेगा जानाई गा, तो कोई सेंस नहीं बनता, गा का मतलब मगर आ जाएगा, जानाई का ना ये भी सही नहीं है, जानाई का ही सही है। खाकुरेरू तो करोगा नाई जानाई का, कोई अब छुपने की जगह नहीं है ना, ठीक है। तो जानाई का जब किसी जुमले के आगे लगता है इसका मतलब ये होता है कि वो जुमला वो सही कह रहा है। खाकुरेरू तो करोगा नाई, ये इसका कहने का मकसद है। जानाई का जो है वो जोर देने के लिए कह रहा है। इसको आप उर्दू हिंदी में अगर कहेंगे तो कहेंगे छुपने की जगह कोई नहीं है ना, ठीक है ना, तो बिल्कुल जो छुपने की जगह नहीं है ना जो आप जोर लगाने के लिए कह रहे हैं वो यहाँ पर जापानी ज़ुबान में जानाई का कहना कहकर वो ये मतलब कर रहा है पूरा। रिंगो तो बनाना तो देवा दोचिरा सुखी रिस का, एप्पल और बनाना में कौन सा तुम्हें जो है वो पसंद है, ये तो आप लोगों ने बहुत पहले किया हुआ है। दोचिरा गा सुखी रिस का, ये हम कर चुके हैं वर्ब सुखी रिस का, खिराई दिस सुखी दिस, खिराई दिस, होशी दिस, इताई दिस, जोदु दिस, हिता दिस, इन सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद गा लगता है। तो रिंगो गा सुखी देश, बनाना गा सुखी देश, दोचिरा गा सुखी देश का गा लगेगा। चलिए नंबर 8 में आ जाए, खनो जो वा जिबुंगा तोते मो हिदोई को तो उष्टे तो उमोते खो खाई इश्ता। खनोजो का मतलब उसने जिबुंगा खुद जो है बहुत हिदोई को तो कर लिया, यानी बहुत शदीद काम कर लिया। हिदोई हिदोई का मतलब होता है शदीद,
कोई इंतहाई एक्सट्रीम काम कर लिया, तो उसने कहा जनाब कोई बहुत एक्सट्रीम काम कर गई या कर लिया ऐसा सोच के पछताई। खो खाई शुरू का मतलब पछताना, ठीक है। खो खाई इश्ते मीतांदा, ये भी हम पिछले एक्सरसाइज में कर सकते हैं। जब कोई काम बुरा कर लेते हैं तो उसकी नेगेटिव सेंस में शिमाऊ आता है, तो शिमतांदा लग जाएगा। कनो जोवा जीवंगा थोते मोहिदोई को तो इश्ते शिमतांदा तो ओमोते खो का इश्ता। ये दा क्या है? कुछ भी नहीं है, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। दिस की रफ फॉर्म है दा, जब दिस के बाद तो ओमो लगता है तो आमतौर पर दिस को कन्वर्ट कर देते हैं दा में। वादशी चिची करा गो है कुमांग एंग ओ खारीरू देश, क्या मतलब? मैंने वालिद से 500 मान यन उधार ले लिए। अब कोतोगा देखी रू या मोनोगा देखी था, ये भी कारीरू के साथ कोतो लग जाएगा कि मैं ऐसा काम कर सका, कि मैंने ऐसा काम कर लिया, ये काम मैं कर पाया। तो कारीरू ये पूरा जो है गो है कुमायनो कारीरू वर्ब है, इस वर्ब को कन्वर्ट कर देंगे हम नाउन में, कोतो लगा दिया और गा देखी था, ये काम मैं कर पाया। देखी तो ही था, कर पा रहा था, कोई सेंस नहीं बनता। तो मोनो लगता नहीं है, कोतो लगता है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए कोतो लगता है, इसलिए कोतो का देखी था। क्वेश्चन नंबर 10 है हितोरी कोदोमोनो इनाई रियोशिंग वा आमारी नाकागा योकु नाइते यू नो वा हुंतो दातो मो, यानी हितोरी का मतलब अकेला, कोदोमो बच्चा, नो इनाई यानी अकेला बच्चा नहीं है, ऐसे वालदैन जो है आमतौर पर हमारी नाकागा योकु नाई। नाकागा योकु, नाकागा योई का मतलब दरमियानी आपस के ताल्लुकात के अच्छा होना। नाकागा योकु नाई, ताल्लुकात आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। वो आगे छोटा सुल आगे ते लगा दिया, इसका मतलब किसी और की कहावत कह रहा है, वो किसी और की कहनी कह रहा है। तो नाकागा योकु नाई ते यूनोवा, ऐसा जो कहते हैं वो क्या वाकई सच है? तुम ऐसा सोचते हो क्या? तुम्हारे ख्याल में ऐसा सच है क्या? होंतो दातो ओमोई मस्का जो है वो प्रॉपर फॉर्म होगी, लेकिन क्योंकि आम बोलचाल में है तो ओमोई मस्का की जगह इसे रेगुलर फॉर्म लगाई वर्ब की ओमोऊ, ये ओमोऊ की खांजी है। ऐसा तुम सोचते हो क्या? तो ओमोऊ, ऐसा तुम सोचते हो क्या? यहाँ पे भी तो ओमोऊ से पहले दिस की रफ फॉर्म दा कर दिए इन्होंने। हितोरी अब कोदोमोनो इनाई, एक के अलावा बच्चा नहीं है। तो जब हम यहाँ हितोरी मो इनाई, मो का मतलब होता है बस अब, तो यहाँ बस अब लगने का कोई सेंस नहीं है। दके हितोरी दके कोदोमोनो इनाई, फकत एक बच्चा नहीं है, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनेगा। हमें पढ़ा था कि जब शिका लगता है तो आगे नेगेटिव फॉर्म आती है। हितोरी शिका कोदोमोनो इनाई रियोशिंग वा, यानी ऐसे वालदैन जिनका एक से ज़्यादा बच्चा नहीं होता, एक के अलावा कोई बच्चा नहीं होता, ऐसे वालदैन के दरमियान, ऐसे पेरेंट्स के दरमियान आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, क्या ये वाकई तुम सच समझते हो? ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमने एक्सरसाइज नंबर 10 कर लिए। इससे आंसर आप टैली कर सकते हैं, नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, ये सारे आंसर्स हैं, इनको देख लीजिए, मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गुज़ाइमाश्ता।